और सभी पांच पदों के लिए पटना विश्वविद्यालय के जो आज मतदान हुआ है उसका काउंटिंग शुरू हो चुका है और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके कैंडिडेट्स उनके अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मैजिस्ट्रेट्स और पदाधिकारी लगातार ड्यूटी पर है, बिल्कुल शांतिपूर्ण से चल रहा है जी। लेकिन आज का पूरा दिन हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्वक था क्योंकि पहले भी जो इलेक्शंस का एक इतिहास रहा तो लेकिन आज बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है। एक इंसिडेंस हुआ था पटना कॉलेज के बाहर जहाँ पे एक रिपोर्ट हुआ था कि कुछ लोग, हालांकि वो कॉलेज के अंदर की घटना नहीं है बाहर की राजपथ, कुछ लोग आए मनचले और फायरिंग करके गए, उसका हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं। और एक और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि शायद किसी पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं है थाना में एफ आई आर करने के लिए। जैसे ही कोई आएगा तो उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आपको बहुत प्रूफ मिल सकता है किसने फायरिंग किया, किसने दहशत फैलाया। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तो फिलहाल अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और जो आसपास का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोगों ने आज जब्त किया है। कितने अज्ञात के ऊपर दर्ज हुआ? तीन अज्ञात के ऊपर हुआ, मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात। क्या लग रहा है कि आगे इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर अभी क्योंकि आज रिजल्ट्स आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद एक जो सरचार्ज एटमोसफेयर रहता है अभी एक आध सप्ताह तक रहेगा, इसलिए हम लोगों का जो तीसरा चरण, प्रथम चरण था तो कि जो मतदान, दूसरा है कि मतगणना और तीसरा कि जो पोस्ट पोल, जो यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई आपसी प्रतिस्पर्धा में कोई मारपीट ना हो, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए निरंतर 7 दिनों तक हम लोग गश्त करेंगे और हमारे प्रतिनिधि। पटना विश्वविद्यालय के वोटिंग के दौरान गोलीबारी हुई, आरोप है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने की है। पटना विश्वविद्यालय से लड़ाई झगड़े शुरू हुए पटना कॉलेज में, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में झड़प हुई। उसके बाद अभी देर रात पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो प्रेस के लोगों से बातचीत में कई बातें बताए हैं, उसमें यह भी बताए हैं कि अशोक राजपथ के तरफ हुई है, कॉलेज के गेट से बाहर हुई है। वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन का कहना था कि कॉलेज में नहीं हुई है, मगर कई लोगों का देखना है, आंखों देखा कि खुलियाम गेट पर गोलीबारी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासन की चूक बताई जा रही है, प्रशासन की ओर से कमी बताई जा रही है। इसको लेकर कई लोग घेरने का भी प्रयास कर रहे हैं प्रशासन को, मगर प्रशासन भी बचने के लिए उसे अलग अलग तरीके और ढंग से टाल रही है। ऐसे कई सवाल और भी आ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के वोटिंग की काउंटिंग हो रही है और आज ही चुनाव हुआ, मतलब वोटिंग हुई, और अभी पटना आर्ट्स कॉलेज में अभी जहाँ पर खड़े हैं यहीं पर मतगणना का, मतलब कि लोग काउंटिंग जारी रखे हैं और बीच बीच में इसकी खबर भेज रहे हैं, मगर जो बड़ी बात है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन जीते हैं या हारे हैं, मगर ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन और शाश्वत शेखर का नाम आ रहा है। उसी के बीच जाप के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका भी नाम आ रहा है, मगर इसी के बीच एसएसपी का मीडिया कर्मियों से बात के दौरान गोलीकांड की पूरी वाक्या को सुना रहे थे, उसमें यह साफ दिख रहा था कि उसमें कुछ बातें छिपाई जा रही है, कुछ बातें दबाई जा रही थी, क्योंकि वह भी अपना बचाव में कर रहे थे। जो बातें जो आई है निकलकर कि पटना कॉलेज के गेट पर एकदम खुलियाम हुआ है, उनका कहना है कि नहीं सड़क पर हुआ है। तो अभी तक ये दोनों बातों में कई अलग अलग बातें आ रही है। पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको संदेह के घेरे से भी देखे जा रहे हैं कि आखिर कर क्या रहे थे। और भी तमाम खबरें देखने के लिए आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।